કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથે વીટીવી ન્યૂઝે ખાસ ચર્ચા કરી. સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ અંગે કેન્દ્રીય મંત્રીએ નિવેદન આપ્યું. ભારતમાં મેમરી ચીપનું ઉત્પાદન થશે તેવું અશ્વિની વૈષ્ણવે કીધું. સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે ભારતમાં વધુ રોકાણ આવશે તેવું પણ તેમણે કીધું હતું. 3-4 કંપનીઓ સાથે પ્લાન્ટ શરૂ કરવા ચર્ચા ચાલુ છે તેવું પણ અશ્વિની વૈષ્ણવે કીધું હતું. સેમિકન્ડક્ટર્સ આર ધ સાઇલન્ટ એનેબલર્સ ઓફ લાઇફ. They are the foundation. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને મેક ઇન ઇન્ડિયાનો કોન્સેપ્ટ આપ્યો છે. અત્યાર સુધી ભારતની અંદર સોફ્ટવેર જે છે તે ડેવલપ થતા હતા, ત્યારબાદ મોબાઈલ ડેવલપ થતા હતા અને હવે તેની અંદર ખૂબ જ મહત્વની જે કહી શકાય તે ચીપ્સ જે છે, જે ચીપ મેન્યુફેક્ચરિંગ જે છે તે ભારતની અંદર થશે. સેમિકન્ડક્ટર જે છે તેનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ભારતમાં થશે અને વિશેષ ગુજરાતની અંદર સૌપ્રથમ તેનો પ્લાન્ટ તૈયાર થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાતચીત કરશું. સર, સૌથી પહેલે તો જો ભારત મેં સોફ્ટવેર डेवलप होता था उसके बाद मोबाइल भी डेवलप होने शुरू हो गए थे और अब चिप भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है और विशेष गुजरात में, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी जो है उपलब्धि कह सकते हैं इसको. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत बड़ा विजन है हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाने का, उसी कड़ी में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पीएम साहब डेवलप कर रहे हैं. देखो, ये एक मदर इंडस्ट्री है, जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है. स्टील इंडस्ट्री अगर है तो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो सकती है, वैसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है. सेमीकंडक्टर अगर बनता है तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, हर चीज का आगे मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोसेस चालू होता है. और आज सेमीकंडक्टर दुनिया अपने घर की हर चीज में उपयोग में आता है. ये घर का उदाहरण लो, किचन में फ्रिज है, फ्रिज में चिप्स लगती है. आपके ड्राइंग रूम में जाओ, टीवी है, टीवी के अंदर सेमीकंडक्टर लगता है. घर से बाहर निकलो, स्कूटी या कार में बैठ के, तो उसमें चिप्स लगती हैं. ट्रेन में बैठो, चिप्स लगती हैं हजारों. एरोप्लेन में बैठो, चिप्स लगती हैं. कुछ भी उपयोग करो, मोबाइल फोन का उपयोग करो, लैपटॉप का उपयोग करो, उसमें चिप्स लगती है. तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इसीलिए प्रधानमंत्री जी अपनी दूरदर्शिता के साथ डेवलप कर रहे हैं, फोकस के साथ डेवलप करते हैं. और ये है बड़ी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री. सेमीकंडक्टर बनाना आसान काम नहीं है, बहुत ही बारीकी का काम है. ये आप देखो, ये एक वेफर है. ये वेफर सिलिकॉन से बनता है. सिलिकॉन यानी क्वार्ट्स वाली मिट्टी, उस मिट्टी को पिघला के वेफर बनता है. अब उस वेफर पे जैसे बहुत ही बारीकी के साथ जैसे नक्काशी करते हैं, वैसे ही जैसे अपने अहमदाबाद की जाली का काम है ना पत्थर पे, तो वो एक पत्थर का बारीकी का उदाहरण है. वैसे ही चिप्स के ऊपर, वेफर के ऊपर बहुत ही बारीकी, मतलब नाखून की जो नोक है इसका लाख गुना बारीक काम इस पे होता है. आंख से नहीं दिखता वो काम, इतना फाइन वर्क होता है. उस फाइन वर्क को फिर निकाला जाता है बाहर इस वेफर से, और वेफर से बाहर निकाल के उसको चिप बनाते हैं. ये चिप है, ये प्रोसेस માઇક્રોન કરતે. તો આવનાર દિવસોમાં ગુજરાતની અંદર અને દેશની અંદર જે ચિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ થવાનું છે તેની અંદર મોટી કંપનીઓ, અન્ય કંપનીઓ પણ જે આવશે, જે માઇક્રોન સિવાયની 3-4 કંપનીઓ જે છે તે ઇન્વેસ્ટ કરશે અને ચિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ ભારતમાં થશે. કેમેરામેન નરેશ ભૂટિયા સાથે મેહુલ દેસાઈ, ગાંધીનગર.